Hi, hello, you're watching Ninth Live Daily. Welcome to Unacademy Foundation channel. So, hum nitrogen lesson continue kar rahe hain and aaj nitrogen ke saath ek aur element ka bhi introduction karwa rahe hain hum. So, uske liye bhi swagat hai aapko. And sabse pehle agar koi bhi naye learner hai is platform mein, subscribe kijiye Unacademy Foundation channel and also don't forget to hit on the bell icon to get all the notifications as well. And ye hamari puri team है आपके लिए एंड हम आपके लिए पढ़ा रहे हैं YouTube चैनल Unacademy Foundation में 5 to 7 PM के बीच में एवरी डे. तो ज़रूर हमारे सारे क्लासेस को भी अटेंड कीजिए. एंड साथ साथ एक और न्यूज़ ये है कि वी आर कमिंग लाइव एवरी डे, किसी ना किसी टॉपिक लेके क्विज कर रहे हैं, नहीं तो हम आपके लिए मोटिवेशन सेशंस कर रहे हैं एंड कोई स्पेशल सेशंस भी करवा रहे हैं. सो बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें होते हैं हमारे चैनल पे एंड कीप ऑलवेज वॉचिंग द चैनल, एक्टिव होते रहिएगा एंड यू विल गेट द नोटिफिकेशन योर सेल्फ. एंड ये टाइम टेबल है, अगर आपको नहीं पता है अच्छे से, सो यू कैन फॉलो द टाइम टेबल एंड अटेंड ऑन द क्लासेस ऑन टाइम. एंड अगर आप हमारे साथ बात करना चाहते हैं, कोई भी डाउट है आपको करिकुलम रिलेटेड, सजेशंस लेना है या एडवाइजेस लेना है, तो ज़रूर आप टेलीग्राम ऐप के द्वारा हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो. तो उसके लिए आपको सबसे पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा टेलीग्राम ऐप. एंड टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ ब्राउज़र में जाके URL के जगह टाइप करना है tinyurl.com/unacademyfoundation. ठीक है, तो इससे आप हमारे ग्रुप भी ज्वाइन हो सकते हो जहाँ पे लाइक मोर देन 700+ स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं एंड यू ऑल्सो कैन बी अ पार्ट ऑफ आवर स्टूडेंट फ्रेटर्निटी एंड उनके साथ भी आप करिकुलम रिलेटेड डिस्कशंस ज़रूर कर सकते हो. ठीक है, एंड यू ऑल नो अनअकैडमी इज़ इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म जहाँ पे टॉप एजुकेटर्स ऑफ द कंट्री पढ़ा रहे हैं. एंड यू आर सो लकी इनफ, अगर आप 9th-10th standard स्टूडेंट्स हो, देन दिस इज़ द राइट टाइम फॉर यू टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर IIT एंड नीट, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपका एम वही होता है ना. सो हम लोग आपके लिए मदद करते हैं. सो वी आर टीचिंग हियर इन YouTube, आपके लिए जो लेसन्स हम दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ये ज़रूर आप देख सकते हो. बट इफ यू वॉन्ट अ मोर पर्सनलाइज्ड टीचिंग एक्सपीरियंस, लर्निंग एक्सपीरियंस, देन यू शुड डेफिनेटली एक्सप्लोर अनअकैडमी प्लस, क्योंकि हमारे क्लासेस वहां पे यू कैन हैव वन ऑन वन इंटरेक्शन विद द एजुकेटर. एंड साथ साथ एक और चीज भी है, दैट इज हमारे क्लासेस रिकॉर्डेड है. सो अगर आप लाइव क्लास अटेंड भी नहीं कर पाते, इवन देन यू कैन ऑलवेज गो बैक एंड वॉच द प्रीवियस लेक्चर्स, क्योंकि वो ऑलरेडी वहां पे होते हैं recorded, so you can watch it anytime and वापस भी आप देख सकते हो उसको. And you also have a chance to download the PDF notes, so जो भी हम क्लास में पढ़ाते हैं then बाद में आप उसको रिट्रीव कर सकते हो. एंड ऑल्सो अगर आपने एक बार सब्सक्रिप्शन लिया है एक कैटेगरी के अंदर, देन उस कैटेगरी के अंदर जितना भी कोर्सेज है वो सारे कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हो. एजुकेटर्स का भी यू कैन अटेंड एनी ऑफ द एजुकेटर्स क्लासेस इन दैट कैटेगरी. ठीक है, एंड और भी एड ऑन फीचर्स ये है कि वी हैव टेस्ट सीरीज, डेडिकेटेड डाउट क्लैरिफाइंग सेशंस, क्विज सीरीजेस, सो बहुत सारे और भी एडवांटेजेस आपको है. सो ज़रूर हमारे प्लस प्लेटफॉर्म आप एक्सप्लोर कर सकते हो. उसके लिए आपको पहले अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है अपने फ़ोन में एंड देन यहाँ प्लस सेक्शन में जाके आपको चूज योर गोल में चूज़ करना है फाउंडेशन एंड NTSC, दैट इज़ योर कैटेगरी, देन क्लिक on get subscription. तो इतना सारा हमारा plans होते हैं, so you can take up any of the plans. And but मैं बताती हूँ ये long duration का plans जो है, so वो बहुत सही plans है, क्योंकि price wise बहुत reasonable होता है वो. so it will be like 2 साल का subscription दे सकते हो. 9th-10th standard students can take up this 2-year subscription, क्योंकि 2 साल के subscription में सारे के सारे lessons भी cover हो जाएंगे concepts के साथ साथ, problems के साथ साथ. And 10th-10th standard students can go up to take up 1-year subscription. ठीक है, एंड ऑल्सो यहाँ पे एक और भी मतलब छोटा सा गिफ्ट मेरे तरफ से ये है कि अगर आपने सीमा लाइव रेफरल कोड यूज़ किया है, देन आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट भी मिलता है सारे प्लान्स में.
ठीक है. सो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं हमारे लेसन जो है. दैट वाज हम बात कर रहे थे अबाउट नाइट्रोजन साइकिल. सो वहां पे स्टेप वन मैं बता रही थी आपको, वहां पे नाइट्रोजन फिक्सेशन का बात कर रहे थे. दो तरह की फिक्सेशंस है, एक तो है नेचुरल फिक्सेशन एंड दूसरा था आर्टिफिशियल फिक्सेशन. सो नेचुरल फिक्सेशन का आई गेस हमने कंप्लीट किया है कॉन्सेप्ट डिस्कशन. एंड आर्टिफिशियल फिक्सेशन में आई थिंक हेबर्स प्रोसेस हमने कंप्लीट किया है लास्ट क्लास में, इज इट राइट? एक्सक्यूज मी. सो नेक्स्ट वन जो है आर्टिफिशियल फिक्सेशन से, सो दैट इज नथिंग बट वर्कलैंड एंड आइड्स प्रोसेस. तो बेसिकली इस प्रोसेस में क्या होता है, सो इस प्रोसेस में नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ओके, दोनों ऐसे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज में मिलके, ओके, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है. सो इसके वजह से क्या होगा, N2 एंड O2 मिला के आपको NO फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, NO का फॉर्मेशन हो जाएगा. एंड अगर ये अगर आपने एटमोसफियरिक ऑक्सीजन के साथ ये ट्रीटमेंट होता है, सो बिकॉज बाय द एक्शन ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एटमोसफियर, ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है ये ऑक्सीडाइज होके एक और स्टेबल ऑक्साइड फॉर्मेशन करेगा. सो दैट इज नथिंग बट NO2, इज इट राइट? NO से अब आपको NO2 मिलेगा. एंड ये फर्दर क्या होगा, फर्दर अगर H2O एंड ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके दिस विल गिव यू नाइट्रिक एसिड, ठीक है. सो ये कंबाइन होके आपको क्या दे रहा है, नाइट्रिक एसिड दे रहा है. एंड देन अगर आपने इसको ओके लाइमस्टोन के साथ ट्रीट किया है, सो इफ यू आर ट्रीटिंग दिस विद लाइमस्टोन, ऑब्वियसली क्या होगा, कैल्शियम का यहाँ पे इंट्रोडक्शन हो जाएगा एंड यू विल गेट कैल्शियम नाइट्रेट. सो नाइट्रेट्स पे कन्वर्ट हो गया ये, राइट? सो दिस इज अनदर मेथड ऑफ फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है. सो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, बर्कलैंड एंड आइड्स प्रोसेस बोलते हैं. एंड एक और भी है, दिस इज ऑल्सो सॉल्युबल नाइट्रेट. तो हो गया. नेक्स्ट एक और जो है दैट इज साइनामाइड प्रोसेस. तो साइनामाइड फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ पे. सो स्टैटिक मटेरियल, तो इस प्रोसेस से बेसिकली, तो साइनामाइड प्रोसेस को मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है, सो दैट मैं आपको बता सकती हूँ अच्छे से विद द इक्वेशंस, दैट इज वाई. ओके, सो साइनामाइड प्रोसेस में बेसिकली कैल्शियम कार्बाइड हम ले रहे हैं, that is CaC2. okay, so starting material jo hai that is also important, okay, CaC2 hum le rahe hai and obviously it is getting combined with nitrogen. so ye aapko familiar bhi hai, to ye humne discussion kiya hai, is it right? cyanamide, calcium cyanamide, iska naam kya hai, calcium cyanamide. thoda sa yahan pe heating ki zarurat hai is reaction mein, thoda 100 degree celsius ka temperature ki zarurat bhi hai. so this is called as calcium cyanamide, ठीक है, and ये further carbon के साथ treatment बना के, okay, so अब क्या होगा, ये थोड़ा सा reduction हो जाएगा यहाँ पे, and calcium cyanamide reduce होके आपको दे रहा है ammonia. ओके, नेक्स्ट स्टेप में आपको दे रहा है अमोनिया एंड ऑब्वियसली उसके बाद तो आपको पता ही है. सो अगेन वाटर के साथ ट्रीटमेंट होके नाइट्रिक एसिड फॉर्मेशन बनाता है एंड नाइट्रिक एसिड से एक मेटल सॉल्ट अगर है आपके पास, मेटल सॉल्ट अगर आपने उसके पास रिएक्ट किया है, देन अगेन इट विल फॉर्म सॉल्यूबल नाइट्रेट्स, इज इट राइट? सो फाइनल जो प्रोडक्ट है आपको सॉल्यूबल नाइट्रेट्स इन द सॉइल, ठीक है. सो दिस इज वन मोर मेथड ऑफ आर्टिफिशियल फिक्सेशन. तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं साइनामाइड, क्योंकि मेन जो इसका प्रोडक्ट है साइनामाइड वो डिकम्पोज होके अमोनिया दे रहा है एंड वापस नाइट्रिक एसिड एंड इसके बाद सॉल्यूबल नाइट्राइड्स, ठीक है. सो इस हेबर्स प्रोसेस में भी आप देख सकते हैं कि इंटरमीडिएट तीनों में भी सेम है, दैट इज नाइट्रिक एसिड फॉर्मेशन जरूर हो रहा है, इज इट राइट? हेबर्स प्रोसेस के केस में भी ऐसा ही हुआ था एंड अब बर्कलैंड एंड आइड्स प्रोसेस में भी नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन है. एंड सिमिलरली साइनामाइड प्रोसेस में भी आप देख सकते हैं कि नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन तो जरूर है, इज इट राइट? सो ऑल ऑफ दीज आर forming finally the soluble nitrates in soil, ठीक है.
सो दिस इज अबाउट द स्टेप वन. तो नेक्स्ट हमें देखना है स्टेप टू. तो स्टेप वन हो गया, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फिक्सेशन हो गया है. तो नेक्स्ट हमें बात करना है, दैट इज अबाउट स्टेप टू इन द नाइट्रोजन साइकिल. तो फर्स्ट इस पे स्टेप टू में दो कैटेगरीज हम कर सकते हैं. एक तो है प्लांट्स क्या करेंगे इससे, एंड एनिमल्स क्या करेंगे. सो वो जो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हमें सॉइल में मिला है फर्स्ट स्टेप में, ठीक है, एक तो प्लांट्स कैन एब्जॉर्ब दोज नाइट्रोजनस कंपाउंड्स एंड मेटाबोलाइज देम इन देयर सेल्स एंड टू फॉर्म अमीनो एसिड्स, इज इट राइट. सो अब क्या होगा, प्लांट्स कैन एब्जॉर्ब दीज नाइट्रोजनस कंपाउंड्स फ्रॉम द सॉइल, सो दैट वो मेटाबोलाइज करके कन्वर्ट करेंगे अमीनो एसिड्स पे. तो अब अमीनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स, ओके. सो प्रोटीन्स आर विच वी आर ऑल मेड अप ऑफ, इज इट राइट. सो दैट इज वाई अमीनो एसिड्स अगर फॉर्मेशन हुआ है, देन विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ अमीनो एसिड्स फाइनली प्रोटीन्स बन सकता है, एंड दैट विल एक्चुअली गिव लाइफ, सस्टेन लाइफ, इज इट राइट. ऑन द अदर हैंड एनिमल्स भी क्या कर सकते हैं, नाउ दिस प्लांट प्रोटीन, सो अब ये प्लांट से जो प्रोटीन फॉर्म हुआ है, सो वी कंज्यूम दोज प्लांट्स, इज इट राइट. अब ये जो प्लांट प्रोटीन है दैट कैन एंटर इन टू हर्बीवोरस एनिमल्स, जो प्लांट्स को खाते हैं, ग्रीन्स को खाते हैं, सो दो प्रोटीन प्लांट प्रोटीन्स जो है, सो दे एंटर इनटू दीज हर्बीवोरस एनिमल्स, एंड अब क्या होगा, वेयर दे ब्रेक डाउन इनटू अमीनो एसिड्स एंड फाइनली कन्वर्टेड इनटू एनिमल प्रोटीन. सो अब प्लांट प्रोटीन से कन्वर्ट हो गया एनिमल प्रोटीन. सो अब ये जो प्रोटीन है फ्रॉम द हर्बीवोरस एनिमल्स, सो दे आर कंज्यूम्ड बाय कार्निवोरस एनिमल्स, सो दे एंटर इनटू द कार्निवोरस एनिमल्स. तो ऐसे साइकिल घूमता रहेगा, ठीक है, सॉइल से प्लांट्स पर जाएगा, प्लांट्स से एनिमल्स कंज्यूम करेंगे, एंड ये साइकिल रिपीट होते जाएगा, ठीक है. सो दिस इज द स्टेप टू, ओके. सो आप देख सकते हैं, सो डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन किया है हमने कि प्लांट्स फर्स्ट एब्जॉर्ब करते हैं, स्टेप टू का है ये रिएक्शन. सो प्लांट्स फर्स्ट एब्जॉर्ब कर रहे हैं नाइट्रोजनस कंपाउंड्स को, उसके बाद हर्बीवोरस एनिमल्स प्लांट प्रोटीन्स को कन्वर्ट कर रहे हैं टू एनिमल प्रोटीन्स, एंड ये हर्बीवोरस एनिमल्स को कार्निवोरस एनिमल्स मतलब they prey on them, so that will enter finally into these carnivorous animals, ठीक है. So this is about the step 2. अब finally step 3, nitrogen cycle में step 3 क्या होता है, the death and decay of plants and animals that gets converted the proteins in those plants and animals. So death होने के बाद क्या होगा, it will get converted to amino acids. तो आप देख सकते हैं फाइनली बैक रिएक्शन होते जाएगा, अब प्रोटीन्स ब्रेक डाउन होके आपको इंडिविजुअल अमीनो एसिड्स मिलेगा, एंड अमीनो एसिड्स फर्दर कन्वर्ट होके नाइट्रेट्स मिलेगा, ओके, बाय द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सॉइल. सो बैक्टीरिया क्या करेंगे, वो जो अमीनो एसिड्स है उनको नाइट्रेट्स पे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है. एंड दिस सीक्वेंस इज शोन हियर, आप देख सकते हैं ये जो साइकिल कैसे होता है. सो अमीनो एसिड्स आर कन्वर्टेड इन टू अमोनिया फर्स्ट बाय द बैक्टीरिया, ठीक है, अमोनिफाइंग बैक्टीरिया के मदद से अमीनो एसिड अमोनिया पे कन्वर्ट हुआ, उसके बाद फिर से वो बैक्टीरियल एक्शन से अमोनिया कन्वर्ट होता है टू अमोनियम सॉल्ट, ठीक है. सो अमोनिया इज गेटिंग कन्वर्टेड टू अमोनियम सॉल्ट, एंड उसके बाद ऑक्सीडेशन होता है, अमोनियम सॉल्ट का ऑक्सीडेशन बैक्टीरियल एक्शन से क्या होगा, फाइनली नाइट्रेट्स पे वापस कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है. तो आप देख सकते हैं, देन आफ्टर दैट यहाँ पे नाइट्रेशन, नाइट्रेट्स फॉर्मेशन के बाद क्या होगा, डीनाइट्रिफिकेशन होता है, एंड उसके बाद वापस नाइट्रोजन जो है इट गोज बैक टू द एटमॉस्फेयर. सो फ्रॉम वेयर इट केम, नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से स्टार्ट किया, सॉइल तक रीच हुआ, इट रीच प्लांट्स एनिमल्स, वापस सॉइल रीच हुआ, एंड देन फाइनली इट विल अगेन रीच द एटमॉस्फेयर. तो ये कंप्लीट एक साइकिल हो गया, सो दैट इज व्हाई इसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल, एंड इट इज वेरी वेरी essential for the living organisms, ठीक है. So ये nitrogen cycle जो है, so it is very very essential part, okay. And finally
नाइट्रेट्स इन द सॉइल क्या हो गया इसका डीनाइट्रिफिकेशन. हम क्या बोलते हैं स्टेप को डीनाइट्रिफिकेशन. सो डिकम्पोज होता है ये जो नाइट्रेट्स है एंड फाइनली दे आर कन्वर्टेड टू फ्री नाइट्रोजन N2 विच गोज बैक फाइनली टू द एटमॉस्फेयर. ठीक है. सो ये जो स्टेप्स है आप फिर से देख सकते हैं. नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है फर्स्ट स्टेप. एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन क्या होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन से अब क्या होगा दे आर कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स. इज इट राइट प्रेजेंट इन द सॉइल. तो इस प्रोसेस पे बेसिकली अमोनिया फॉर्मेशन होता है एंड देन अगेन नाइट्रिक एसिड फॉर्मेशन होता है एंड उसके बाद नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो है दे कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स. एंड अब क्या होगा उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हो दैट इज कॉल्ड एज इस स्टेप में हमने क्या देखा था सेकेंड स्टेप में यस द प्लांट्स एब्जॉर्ब दीज नाइट्रोजनस कंपाउंड्स. इज इट राइट प्लांट्स एब्जॉर्ब दीज नाइट्रोजनस कंपाउंड्स एंड ये कन्वर्ट होता है टू अमीनो एसिड्स एंड फाइनली टू प्लांट प्रोटीन्स एंड उसके बाद उसको एनिमल्स कंज्यूम करके प्लांट प्रोटीन्स को एनिमल प्रोटीन्स में कन्वर्ट होता है. ये हर्बीवोरस एनिमल्स को फीड करते हैं कार्निवोरस एनिमल्स. तो ये स्टेप कंटिन्यू होता है एंड लास्ट स्टेप में क्या होगा डिके डेथ होने के बाद प्लांट्स एनिमल्स के डेथ होने के बाद अब फिर से ये जो प्रोटीन्स होते हैं उनके अंदर दे आर कन्वर्टेड बैक टू अमीनो एसिड्स एंड अमीनो एसिड्स जो है डिकम्पोज होते हैं बाय बैक्टीरियल एक्शन सो दैट आपको फाइनली नाइट्रेट्स मिल जाएगा इन द सॉइल एंड लास्ट स्टेप में ये जो नाइट्रेट्स होते हैं दे आर डिकम्पोज्ड बैक टू फ्री नाइट्रोजन एंड वापस goes back to the atmosphere. Okay, so this was about the nitrogen cycle. ओके अब आपको यस तो इस चैप्टर में बेसिकली मोस्ट ऑफ देम हमने कंप्लीट किया हुआ है. ठीक है एंड यहां अगर आपने ये नाइट्रोजन साइकिल में अगर आप देखते हैं सो यू कैन वेरी वेल सी दैट इट इज वेरी वेरी मतलब नाइट्रोजन इज वेरी प्रोन टू बैक्टीरियल एक्शन है ना क्योंकि ये सारे जो स्टेप्स यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं सो दे आर ऑल बाय सम बैक्टीरियल एक्शन है ना. सो डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरियाज के एक्शन हो सकता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज नाइट्रिफाइंग बैक्टीरियाज. तो बैक्टीरियल एक्शन से बहुत बहुत मतलब डिफरेंसेस या रिएक्शंस हो सकता है नाइट्रोजन के. सो इसी मतलब कॉन्सेप्ट को आंसर यहाँ पे मिलता है आपको व्हाई इज नाइट्रोजन गैस फिल्ड इन सील्ड फूड पैकेट्स. तो अगर आप लेस या चीटोस कुछ भी जंक फूड्स पैक्ड फूड अगर आप ले रहे हो सो यू नो दैट 70% ऑफ इट इज फिल्ड विद एयर. तो हम भी ऐसे बोलते हैं इज इट राइट. सो इफ यू हैव अ 10 rupee पैक लेस देन उस पे आधा से ज्यादा एयर ही फिल होता है एंड ओनली लिटिल बिट ऑफ इट इज हैविंग द फूड आइटम. तो अब ये गैस जो वहां पे फिल करते हैं अंदर सो दैट इज नथिंग बट नाइट्रोजन गैस. ठीक है. सो अब ये नाइट्रोजन गैस ही क्यों फिल करना है व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ फिलिंग नाइट्रोजन गैस. यस तो आंसर ही ठीक है क्योंकि ये फूड पैकेज जो है सो इट इज मतलब इम्पोर्टेड सो इट हैज टू बी हैविंग अ लॉन्गर लाइफ टाइम. इज इट राइट. तो आपको स्टोर करना पड़ेगा इसको. सो इन ऑर्डर टू स्टोर इट फॉर अ लॉन्गर टाइम मच लॉन्गर टाइम इन ऑर्डर टू इंक्रीज द लाइफ टाइम हम क्या करना चाहिए इसको नाइट्रोजन गैस से फिल करते हैं सो दैट ओके इन ऑर्डर टू अवॉइड इट फ्रॉम एनी बैक्टीरियल एक्शन. ठीक है. सो इन ऑर्डर टू अवॉइड इट फ्रॉम एनी बैक्टीरियल एक्शन हम नाइट्रोजन को सील्ड फूड पैकेट्स नाइट्रोजन गैस फिलिंग करते हैं अंदर. ठीक है. सो आई होप ये क्लियर है आपको. आई गेस हमने ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर मतलब कंप्लीट किया है इस चैप्टर में. सो नाइट्रोजन का बहुत सारे एप्लीकेशंस हमने देखा इज इट राइट. सो दैट इज एंड फाइनली वी आर कमिंग टू दिस इज इट राइट. सो नाइट्रोजन गैस क्या होता है बेसिकली नाइट्रोजन गैस जो है सो दैट इज इनर्ट गैस. Inert gas is it right to retard bacterial growth hai na retards bacterial growth. So finally hum aise likh sakte hain retards bacterial growth. Theek hai. So that is why food is safe. Okay. So
नेक्स्ट हम बात करते हैं, दैट इज अबाउट सल्फर. सो अब नाइट्रोजन का हो चुका है हमारे. सो नेक्स्ट एक और एलिमेंट का इंट्रोडक्शन करते हैं. सो दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी वाइटल इन एवरीडे डेली एक्टिविटी. सो दैट इज सल्फर. ठीक है. सो सल्फर जो है ऑक्सीजन फैमिली का है एंड आपको पता ही है. फर्स्ट इंट्रोडक्शन अगर आपको देखना है सो ये नाम जो है ये संस्कृत नाम से आया है. सल्फर नाम डिराइव किया है एक संस्कृत वर्ड से, दैट इज सुल्वरी. मीनिंग होता है एनिमी ऑफ कॉपर. ये क्यों? क्योंकि इट विल डिस्ट्रॉय द मेटालिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉपर. तो ये जो सेंटेंस है उसका मीनिंग आपको पता चलता है व्हेन वी आर सीइंग केमिकल रिएक्शंस ऑफ सल्फर. ठीक है. सो इट इज एनिमी ऑफ कॉपर, तो इसीलिए इसका नाम सल्फर रखा गया है. ठीक है. एंड इसका सिंबल देख सकते हैं आप. सिंबल जो है सो कैपिटल लेटर एस है. एंड एटॉमिक नंबर क्या है इसका? 16. मास नंबर कितना है? दैट इज 32. एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हो. सो दैट इज 2.8.6. तो अब आप सब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से लिख सकते हो. इज इट राइट? सो 2.8.6 होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है. सो नेक्स्ट हम देखते हैं ऑकरेंस ऑफ सल्फर. सी हाउ इज सल्फर एक्चुअली ऑकरिंग इन दी अर्थ. ओके, एक तो हो सकता है फ्री स्टेट, नहीं तो कंबाइंड स्टेट. सेम लाइक नाइट्रोजन, फ्री स्टेट में भी हो सकता है, नहीं तो कंबाइंड स्टेट में भी हो सकता है. सो फ्री स्टेट ओनली अबाउट 0.03%. ओके, ओनली अबाउट 0.03% फ्री स्टेट में होता है अर्थ क्रस्ट में. इट इज फाउंड एज एलिमेंटल सल्फर. ठीक है. एंड एक और चीज है, दैट इज इन द वॉल्केनिक रीजन्स लाइक सिसिली एंड जापान. सो इट इज प्रेजेंट नियर द अर्थ क्रस्ट. ओके, एंड इन द नॉन वॉल्केनिक रीजन्स लाइक यूएसए, लाइक विद टेक्सास एंड लुइसियाना, इट इज फाउंड मच बिलो द अर्थ क्रस्ट. ठीक है. सो दिस इज हाउ एलिमेंटल सल्फर इज ऑब्टेन्ड, कहाँ कहाँ पे कैसा आपको मिल रहा है. सो दैट इज द रीजन वाइज डेटा आपको दिया है यहाँ पे. ठीक है. एंड नेक्स्ट हमें देखना है कंबाइंड स्टेट में कैसा होता है. सो कंबाइंड स्टेट में बहुत सारे कंपाउंड्स के द्वारा सल्फर प्रेजेंट है. एक तो सल्फेट्स, फर्स्ट फॉर्म कंबाइंड फॉर्म का है, दैट इज एज सल्फेट्स. तो सल्फेट आपको भी पता है, एक तो जिप्सम है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट. ओके, नहीं तो एप्सम सॉल्ट हो सकता है, दैट इज मैग्नीशियम सल्फेट विद 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. देखिए ये जो नाम मैंने दिया है आपको, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि समटाइम्स इन योर एग्जामिनेशंस या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस मोस्ट ऑफ द टाइम आपको सिर्फ नाम दे जाता है एंड आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखने को, मतलब 4 ऑप्शंस मिलता है आपको. सो ऐसा होता है. ठीक है. सो कैल्शियम मतलब अगर कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट अगर मैं बोल रही हूँ, देन यू शुड नो दैट इट इज जिप्सम. ठीक है. सिमिलरली मैग्नीशियम सल्फेट विद 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर अगर मैं बोल रही हूँ, देन इट इज कॉल्ड एज एप्सम सॉल्ट. ठीक है. एक और भी सल्फेट फॉर्म है, दैट इज ग्लॉबस सॉल्ट. सो ग्लॉबस सॉल्ट क्या होता है देख लीजिए, दैट इज नथिंग बट सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट. इज इट राइट? सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट, तो यहाँ पे Na2SO4 होना चाहिए था. इज इट राइट? सो क्योंकि सल्फेट का SO4 2- है, सो दैट इज वाई Na2SO4. Is it right? So first combined state form है, that is as sulfates. ठीक है. So next हम देख सकते हैं, so combined state में sulfur is present as sulfides. Okay, एक तो है that is cinnabar and galena. आप देख सकते हैं cinnabar is nothing but it is ore of mercury. तो आपको पता भी होगा ये, क्योंकि हमने metallurgy chapter जो है सो वो 10th standard में होगा, then you will also get more familiarized with it. ठीक है. so sulfides में cinnabar है, that is mercury sulfide. then you have galena, that is lead sulfide. iron pyrites एंड कॉपर पाइराइट्स, जिंक ब्लेंड. सो जिंक ब्लेंड बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओर्स ऑफ जिंक. ठीक है. सो सल्फाइड फॉर्म में भी बहुत बहुत मतलब ऑकरेंस होता है सल्फर का. एंड थर्ड जो पॉइंट है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, दैट इज एज ऑर्गेनिक मैटर. ठीक है. इन इंसुलिन, सो आप देख सकते हैं वन ऑफ देम इज इन इंसुलिन एंड ग्लूकोसायोनेट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, नेचर, गैस, पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, कोल गैस, वाटर स्प्रिंग्स. तो ये सारे के सारे
चीजों में सल्फर इज प्रेजेंट इन कंबाइंड स्टेट. ठीक है, सो दिस इज अबाउट ऑकरेंस ऑफ सल्फर. ओके, नाउ नेक्स्ट हमें देखना है व्हाट आर द मेथड्स ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ सल्फर. ठीक है, सो नेक्स्ट हमें देखना है हाउ कैन यू एक्सट्रैक्ट सल्फर जो प्रेजेंट है अर्थ में. सो हाउ कैन यू एक्सट्रैक्ट, सो देर आर लॉट्स ऑफ अदर प्रोसेसेस फॉर इट. सो फर्स्ट जो प्रोसेस होता है दैट इज सिसिलियन प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया आपको सिसिली में सल्फर प्रेजेंट होता है अर्थ क्रस्ट में. सो दैट इज वाई इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट सल्फर फ्रॉम दैट प्लेस तो नाम भी ऐसा हुआ सिसिलियन प्रोसेस. ठीक है, सो इस प्रोसेस बेसिकली हम कैरी करते हैं इन ब्रिक किल्न्स बिल्ट ऑन स्लोपिंग हिलसाइड्स. ठीक है, सो इसका जो प्रोसेस कैसे फॉलो करता है, व्हाट इज द स्टेप इन्वॉल्व, इसके लिए आपको देखना है. फर्स्ट यहां जो ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, लार्ज अमाउंट्स ऑफ क्ले एंड स्टोन आर मिक्स्ड विद क्रूड सल्फर. ठीक है, एंड इट इज स्टैक्ड इनसाइड अ ब्रिक किल्न एंड लिविंग स्मॉल स्पेसेस इन बिटवीन दैट इज कवर्ड विद पाउडर्ड सल्फर व्हिच इज देन सब्जेक्टेड टू बर्निंग. ठीक है, एंड इस प्रोसेस में क्या होगा, हीट इवॉल्व हो जाएगा. सो द हीट इवॉल्व ड्यूरिंग दिस बर्निंग ऑफ सल्फर दैट विल लीड टू मेल्टिंग ऑफ द रिमेनिंग सल्फर. ठीक है, दैट लाइज इन द बॉटम लेयर्स एंड द molten sulfur that lies in the bottom layer. So that is allowed to flow down and finally isko hum collect karte hain in the wooden molds. Theek hai, so this is carried out in brick kiln. Aap dekh sakte hain aise clay and stone mix kar rahe hum sulfur ke sath. ठीक है, सो दिस इज अबाउट द सिसिलियन प्रोसेस. तो अब जो आपको मिल गया है मोल्टन सल्फर, तो ये मोल्टन सल्फर का प्यूरिफिकेशन करना है क्योंकि इस पे बहुत सारे इम्प्योरिटीज हो सकते हैं. इट कंटेन्स अबाउट 5% ऑफ अर्थली इम्प्योरिटीज, सो दैट इज वाई इसको आपको प्यूरिफाई फॉर्म में करना है. सो ये प्यूरिफिकेशन आप किस प्रोसेस से करते हैं, डिस्टिलेशन प्रोसेस से कर सकते हैं. ओके, सो डिस्टिलेशन प्रोसेस से द लिक्विड सल्फर ऑब्टेन्ड, इट इज प्योर एंड इट इज collected in the form of solid rolls and hence called as roll sulfur. ठीक है, सो अब प्यूरिफिकेशन के बाद जो सल्फर आपको मिल रहा है, सो दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज रोल सल्फर. ठीक है, सो ये होता है फर्स्ट प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ सल्फर, सिसिलियन प्रोसेस. एंड नेक्स्ट भी एक और प्रोसेस है, फ्रैश प्रोसेस. तो ये फ्रैश प्रोसेस क्या है, ये हम हमारे नेक्स्ट क्लास में जरूर देखते हैं. ठीक है, सो अगर आपको आज की क्लास पसंद आया, अभी के अभी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा जरूर. एंड ऑल्सो अगर हमारे प्लस सब्सक्रिप्शन आप लेना चाहते हो, डोंट फॉरगेट टू यूज द रेफरल कोड सीमा लाइव, इससे आपको 10% डिस्काउंट भी मिलता है. एंड यू ऑल्सो नाउ कैन फॉलो ऑन इंस्टाग्राम, ये हमारे इंस्टाग्राम हैंडल्स है. आप शेयर कर सकते हैं वीडियोस को यूजिंग हैशटैग लाइव स्कूल डेली. एंड ऑल्सो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल अगर आपने नहीं किया तो. वी आर अ फैमिली ऑफ थ्री, अनअकैडमी, जेई, नीट एंड फाउंडेशन, तीनों चैनल्स को सपोर्ट करते रहिएगा. ऐसे ही मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट सेशन में. सो टिल देन, सी यू ऑल.